प्रकृति से प्यार, प्रकृति का श्रृंगार, इसी भावना को ध्यान में रखते हुए और आम जनता में वृक्षारोपण की भावना को जागृत करने के लिए एक प्रयास किया गया। जी हां, बता दें कि सामोद के निकटवर्ती ग्राम आलीसर में पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया और यह आयोजन गोखले शिक्षण संस्थान के सानिध्य में किया गया, जिसमें ग्राम परिवार व समाज सुधारकों की विशेष रूप से उपस्थिति रही। जानकारी के लिए बता दें कि स्वर्गीय वैद्य रमेश की स्मृति में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें लोगों ने लिया है बढ़ चढ़कर भाग। दिखाते हैं आवाज न्यूज 24 की खास रिपोर्ट। कार्यक्रम ये है कि जैसा जब आप हमको शूट कर रहे हैं तो पीछे देख रहे हैं कि आपको एक भी पौधा नजर नहीं आ रहा होगा, तो कार्यक्रम यही है कि यहाँ हरियाली हो, और जैसे ही आप पीछे अपनी हमारी बातचीत होने के बाद पीछे अपने देखेंगे तो आपको बहुत सारे जानवर बैठे दिखाई देंगे। ग्रामवासी कहीं से आए हुए हैं रेवड़ लेकर के, वो बैठे हुए हैं, लेकिन उनको कहीं छाया नहीं है, पानी नहीं है। दूसरी बात क्या है कि सारी पृथ्वी पर ये चारों तरफ तारबंदी और ये सब हो रहा है, और जो प्रकृति के बाकी जो प्राणी हैं सबका बराबर रखा है पृथ्वी पर, लेकिन इंसान ने सबसे ज़्यादा अधिकार क्षेत्र का दुरुपयोग किया है। तो ये पेड़ लगा करके, पेड़ों के मार्फत से प्रकृति को उसका अधिकार मिले और यहाँ लोगों को छाया मिले, पानी मिले, यही हमारा आज का पहला कार्य। लगाएंगे जितनों को हम संभाल सकें, लेकिन इसमें जो कारवा है पेड़ लगाने का वो कुछ इस तरह से है कि जयपुर से या कहीं से भी किसी के घर में किसी के नाम से अगर कोई पेड़ लगाना चाहता है तो वो हमें 1100 रुपये दे सकता है, जिसमें हम उसको बड़ा पेड़ और ट्री गार्ड और उस व्यक्ति के नाम से, जैसे आप आवाज़ न्यूज़ से आते हैं तो जैसे आपने एक बड़ का पेड़ लगाया तो उसका हम नाम रखेंगे आवाज़ बड़, 24x7 यानी 24 घंटे आप न्यूज़ देते हैं वो ऑक्सीजन देगा। तो ऐसे नाम के साथ हम वहाँ लगाएंगे, और नीचे जो हमारी वैद्यांगी गौशाला है, जो गोखले शिक्षण संस्थान NGO है, जो इन सब चीज़ों को देख रहा है, जिसकी समिति इसको देख रही है, उसका नाम नीचे आ जाएगा। और इस प्रकार से फर्ज कीजिए कि आपके परिवार में कोई सदस्य आपसे छोड़ के चला गया है, तो हमारे यहाँ राष्ट्र में उसको एक परात रखते हैं, कहते हैं अब ये बन गया 84 लाख में से, या ये बन गया, गरुड़ पुराण में इसकी चर्चा आती है। तो उस बात को अगर आप यूँ देखें, दूसरे दृष्टिकोण से देखें, चाहे मस्जिद में जाएँ चाहे मंदिर में जाएं, तो वहाँ इंसान के द्वारा एक पत्थर लगाया जाता है, कोई उसको शिव कह के पुकार देता है, कोई भैरव जी कह के पुकारता है, कोई हनुमान कह के पुकारता है, और जो जिस दृष्टिकोण से पुकारना चालू करता है उसमें ऐसी ही एनर्जी बहने लगती है, और आदमी उस एनर्जी के तहत उस पत्थर से भी जुड़ता हुआ चला जाता है। कुछ इसी तरह से हम भी चाहते हैं कि कोई व्यक्ति जिसके घर में किसी इंसान की डेथ हो गई हो, उसको छोड़ के चला गया हो, तो उसके नाम का पेड़ लगावे, उससे रोजाना बात करे। फर्ज कीजिए कि मेरे पिता अभी चले गए तो वो नहीं है, तो मैं उनके नाम का कोई पेड़ लगाऊंगा, और जब मेरे पिता से मन करेगा बात करने का, मैं उस पेड़ से लिपट के उसी तरह से बात करूंगा जिस तरह से अपने पिता से किया करता था। और इस प्रकार से आप एक मानसिक संतुलन को प्राप्त कर सकते हैं। कोई व्यक्ति और बड़ा पेड़ लाना चाहे, जो मैंने 2 महीने में छाया दे, तो वो भी आके लगा सकता है, क्योंकि हमारा कोई कब्जा नहीं है यहाँ पर, ना कोई ऐसा कार्य है।